नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी लगाने जाते हैं या आप रील अपलोड करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको यह जो ऑप्शन दिखता है यह ऑप्शन क्यों दिया गया है और इस ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर आप इंस्टाग्राम पे रील वीडियो को बनाना चाहते हैं या डालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, या आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरी को लगाना है तो यहाँ पर आपको योर स्टोरी के बगल में जो प्लस का आइकन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके गैलरी में जो भी फोटो वीडियो होगा यहाँ पर दिखने लगेगा। अब यहाँ पर आपको एक कैमरा का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अभी अपने कैमरा से फ़ोटो खींच के या वीडियो बना के लगाना चाहते हैं तो आपको कैमरा पे क्लिक करना है, या आपके गैलरी में पहले से कोई भी फ़ोटो वीडियो है आप उसको लगाना चाहते हैं तो यहाँ से उस फोटो वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप लगाना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है, और यह जो ऑप्शन है यह इमोजी का ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है कि इस ऑप्शन को अब यूज करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर एक लोकेशन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पर कोई भी लोकेशन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोकेशन को ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे किसी को टैग करना चाहते हैं, मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टैग मेंशन कर सकते हैं। अगर आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे कोई भी GIF एनिमेशन को लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं, और इसमें आपको तरह तरह का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे कोई भी सॉन्ग या म्यूजिक को लगाना चाहते हैं तो आपको सॉन्ग या म्यूजिक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा सॉन्ग म्यूजिक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके मनपसंद में कोई भी सॉन्ग है उस सॉन्ग को लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसका नेम सर्च करके यहाँ से आप लगा सकते हैं, या आपको यहाँ पे बहुत सारा सॉन्ग देखने को मिलता है तो यहाँ से आप इसको प्ले करके इसको सुन सकते हैं। आपको जो भी सॉन्ग अच्छा लगता है उसको यहाँ से लगाने के लिए आपको क्या करना है कि उस सॉन्ग के नेम पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इस सॉन्ग को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जहाँ से भी लगाना है यहाँ से आपको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको इस नेम को आपको कहीं पर भी सेट कर देना है। नहीं तो अगर आप इस सॉन्ग के नेम को आप अपने डिस्प्ले पे नहीं रखना चाहते हैं तो इस तरह से आप उसको ऊपर की ओर फेंक सकते हैं। अब यहाँ पर यह जो ऑप्शन दिख रहा है इमोजी का, फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ से अगर आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे किसी भी चीज़ का लिंक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तरह तरह का फीचर्स दिया गया है। अगर आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे और भी फोटो वीडियो को ऐड करना चाहते हैं तो आपको नीचे में यहाँ पर यह जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इमोजी लगाना है या एनिमेशन लगाना है तो आपको सर्च पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जिस तरह का एनिमेशन लगाना है यहाँ से आपको सर्च करना है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हमको फॉलो वाला एनिमेशन लगाना है, तो यहाँ पर हम फॉलो सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉलो से रिलेटेड बहुत सारा एनिमेशन दिख रहा है। तो चलिए हमको इस एनिमेशन को लगाना है, इस इमोजी को लगाना है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया है। अब इसको क्या करना है कि अपने दो उंगली की सहायता से अगर इसको आप जूम करना चाहते हैं तो जूम कर सकते हैं। अगर आप इसको स्मॉल करके कहीं भी लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब आपको इस स्टोरी को लगाने के लिए नीचे में जो एरो का ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको शेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ से वह स्टोरी लग जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि इंस्टाग्राम स्टोरी पे वह जो इमोजी का ऑप्शन दिया गया था वह ऑप्शन क्यों दिया गया है और उसको कैसे यूज करते हैं और उसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।